एपिसोड में हम देखेंगे जहाँ पर सभी है जो यहाँ पर ईशा मैम है जो सभी को एक एड्रेस देती है एक कॉलेज का, जिसके बाद में उसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं और सभी को कहती हैं कि तुम वहाँ जाके ये एड्रेस बता देना और इसके बारे में पूछ लेना, वहाँ पे तुम्हें ऑटोमेटिक लोग मिल जाएंगे जो तुम्हारी हेल्प करेंगे। अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कहानी में हमें जो क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकते हैं। एक तरफ जहाँ सभी वहाँ से चली जाती हैं और दूसरी तरफ समृद्ध, भवानी, काकू, ये सब लोग हैं जो सभी को ढूंढते ढूंढते आ जाते हैं ईशा मैम के घर पर। ईशा मैम के घर का दरवाज़ा तोड़ देते हैं और सभी है जो घर के पीछे की जो खिड़की होती है उसी उसी खिड़की से यहाँ से भागने की कोशिश करती है। वो खिड़की को खोलकर भाग जाती है और दूसरी तरफ वो अपना सामान लेके भी चली जाती है और ईशा मैम भी एक बार तो भागने की कोशिश करती है, लेकिन फिर ईशा मैम सोचती है कि मैं यहीं रह के जो लोग आ रहे हैं उन्हें समझाऊं, उन्हें उनका टाइम वेस्ट करूं, तब तक है जो वो लोग हैं जो सभी अपना काम कर चुकी होगी। लेकिन अब देखना काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प होगा कि कहानी में हमें क्या क्या ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल सकते हैं।